ये आप देख रहे हैं उड़ान जोत, बजराड़ू तीसा से जो रूट है वो नौसारा धार से आगे 2.5-3 घंटे का जो है डिग्रेस ट्रैक है, और जहाँ पर ये इंद्रधनुष है ये वाला जोत है जिसको काफ़ी ये जोखिम भरा जोत है, और यहाँ से रास्ता जो है वो आगे गारो की ओर जाता है। ये शेफर्ड ट्रैक है बेसिकली, और यहाँ से आगे दो छोटे छोटे जोत को क्रॉस करने के बाद गारू नामक स्थान पर जो है वो कैंपिंग की जाती है, और उसके अगले दिन जो है वो गरासुर महादेव के डल के दर्शन किए जा सकते हैं। उड़ान जोत देवी कोठी के बिल्कुल सामने से ये दिखाई देता है। बजराड़ू से जो ट्रैकिंग रूट है गढ़ासुरू डल की ओर, तो पहला जो पड़ाव है या तो ज्वाला धार में रुकना पड़ता है, और ये जो धार दिखाई दे रही है ये नौसरा धार है। यहाँ पर भी जन्माष्टमी के दौरान लंगर का आयोजन किया जाता है, और इसके आगे का जो ट्रैक है उसके आगे जो सबसे बड़ी हर्डल है वो है उड़ान जोत। ये जो जोत आप देख रहे हैं ये उड़ान जोत है, और 3 या 4 घंटे का रिग्रेस ट्रैक है ये, 90 डिग्री का स्लोप, और आखिर में यहाँ पर जो है ये जोत है इसको क्रॉस करना पड़ता है, और अगला जो पड़ाव है बेस कैंप वो गारू नामक स्थान पर जो है वो रुकना पड़ता है। तो ये जो ट्रैक है ये बहुत कम लोग इसको फॉलो करते हैं, और इस वर्ष जो है बड़े नहान में मात्र 8 लोग ही इस रूट के द्वारा जो है वो गढ़ासुरू डल में पहुँचे। तो ये जो रूट है काफ़ी लंबा रूट है, और बजराड़ू से कम 40 या 45 किलोमीटर की दूरी पर होगा, और यहाँ पर जो सबसे टफेस्ट पार्ट है वो है एक उड़ान जोत को लास्ट में जब क्रॉस करते हैं तो वो पॉइंट बहुत डिफ़िकल्ट है। ये उड़ान जोत देवी कोठी की ओर से दिखाया जा रहा है जिसको हमने क्रॉस किया, और गारू के बाद जब बांदर घाटी है जिसको हमने दिखाया भी है क्लिपिंग में, बांदर घाटी जो है वो बहुत ही टफ ट्रैक है, कम से कम 50-60 मीटर का जो वर्टिकल स्ट्रेच है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। वो एक शेफर्ड ट्रैक कहा जा सकता है, एक थोरोफेयर नहीं है, और उसको क्रॉस करने के बाद फिर एकदम श्रद्धालु जो है वो गढ़ासुर दल के दर्शन कर सकते हैं। और दूसरा जो ट्रेडिशनल रूट है जिसमें इस बार जन्माष्टमी से लेकर बड़े नहान तक 400-500 श्रद्धालुओं ने कम से कम डल में स्नान किया, और 12 सितंबर को 50 या 60 श्रद्धालु ही रहे होंगे जिन्होंने उस दिन डल में स्नान किया और पूजा अर्चना की। तो ये जो रूट है बजराड़ू और उसके बाद ज्वालाधार, नौसराधार,
उड़ान जोत और उसके बाद गारू और आखिर में बानर घाटी को क्रॉस करने के बाद गड़ासुरु डल के दर्शन किए जा सकते हैं। और वापसी में जो एक ट्रेडिशनल रूट है देवीकोठी गांव से और आखिरी गांव जो है चंद्रू गांव, लास्ट ह्यूमन हैबिटेशन है, उसके बाद फिर एक वहां से भी काफ़ी रिग्रेस ट्रैक है और ये 2400 मीटर से स्टार्ट होकर डल की जो ऊंचाई है 4300 मीटर रिकॉर्ड की गई है और दोनों ओर से कम दो दिन इस ट्रैक में लगते हैं बजराड़ू से डल में पहुंचने में और डल से वापस देवीकोठी आने में भी दो दिन का ट्रैक है। तो कम से कम चार दिन का ये रिग्रेस ट्रैक है लेकिन बहुत ही खूबसूरत डल है। मैं समझता हूँ कि चंबा ज़िला में 4300 मीटर की ऊंचाई पर इससे ऊंचा कोई डल नहीं है। मणिमहेश और लमडल भी उनकी ऊंचाई इससे कम रही है तो ये बहुत कम लोग इस डल के दर्शन करते हैं। तो ये जो रूट है ट्रेडिशनल रूट, दो रास्ते हैं, या तो बजराड़ू से नौसराधार होते हुए डल में पहुंचा जाए, पर अधिकांश लोग देवीकोठी से होकर ही डल में स्नान करने के उपरांत वापस उसी रूट से वापस देवीकोठी आते हैं। गगन होती है तेरी जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी।
हमारा जो 6 दिन का ट्रैकिंग अभियान था जो हमने भिखाड़ू से स्टार्ट किया और ये ज्वाड़ा कोट होता हुआ नौधार और उड़ान जो को क्रॉस करने के बाद गोरू और गड़ासुरु महादेव डाल के दर्शन करने के उपरांत जो है आज हम इसको 14 सितंबर 2013 को देवी कोठी मंदिर में कंक्लूड करना चाहेंगे। मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने साथी राजेश सिंह चाड़क और रविंद्र सिंह व्यक्ति का कि जिन्होंने इस ट्रैकिंग अभियान में हमारा साथ दिया और ये जो हमारा पूरा अभियान था ये इसने पूरा रिंग सर्कल पूरा किया। तो झाड़ू से स्टार्ट हुआ और डल में स्नान करने के उपरांत आज हम इसको देवी कोठी मंदिर में आज के दिन जो है यहाँ पर जात्र होती है बड़े नहान के बाद और आज हम अपने इस अभियान को यहाँ पर कंक्लूड करना चाहेंगे। तो बंदा बोलो जोर दो दिन जय कर रहे बोल चौंडा माता की जय रस महादेव की जय।